अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मटन की ऐसी खास यूनिक रेसिपीज जिसे आप बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कीमा मसूर बिरयानी, या कीमा मसूर पुलाव भी आप इसे कह सकते हैं। तो वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसे बनाने के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट हमारा है, मैंने यहाँ पर लिया है अखा मसूर, जो होता है ना दाल काली वाली, वो लिया है। तो इसे अच्छे से वॉश करेंगे, 250 ग्राम मैंने लिया है। इसे वॉश करके हम भीगने के लिए छोड़ देंगे आधा घंटे के लिए। तब तक हम कीमा जो है ना उसे बॉईल करने के लिए रखेंगे। तो हाथ का जो कीमा होता है ना वो हमें यहाँ पर लेना है, चना बोटी। आप मटन शॉप पे जाओगे ना तो चना बोटी कीमा बोलेंगे तो हाथ से बनाकर वो देगा। मशीन का कीमा यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। अगर हाथ से बनाया हुआ कीमा आपको नहीं मिलता है तो मशीन का कीमा आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया था, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 केजी कीमा है ये। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 केजी के करीब आलू, तो छोटे मीडियम साइज़ के आलू है। इसका छिलका निकाल कर मैंने पानी में डिप करके रख दिया है। तो पानी में डिप करके हम जब रखते हैं ना आलू तो ये ख़राब नहीं होता, मतलब काला नहीं पड़ता है ऊपर से। तो इस तरीके से मैंने इसे डीप करके रख दिया है। तो इसे हमें फ्राई करना होगा, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्राई करूँगी ऑनियन, मतलब प्याज, क्योंकि हम बिरयानी बनाने जा रहे हैं ना तो प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा ही रखना है। तो मैंने यहाँ पे 2 केजी प्याज लिया है। तो सजावट के लिए भी प्याज चाहिए होती है ना, इसके लिए ज़्यादा लिया है। तो इसे मैंने फ्राई कर दिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं प्याज को मैंने बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है। हाथों से इसे क्रश करके रख दिया है साइड में, और थोड़ी सी प्याज मैंने साइड में निकाल कर भी रख दी है जो कि सजावट के लिए हमें काम आएगी। देखिए इस तरीके से, इसे मैंने हाथों से क्रश नहीं किया है, इसी तरीके की रखा है। तो प्याज हमारी रेडी है और कीमा भी हमारा बॉईल हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मैंने इसे बॉईल कर लिया है। अब अखा मसूर जो हमने भिगो कर रखा था ना बहुत ही अच्छे से भीग चुका है। अब इसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून के करीब नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे बॉईल करेंगे हम। तो इसे ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, ओवरकुक नहीं करना है, 70% ही हम इसे गलाएंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे बॉईल कर लिया है, 70% ही मैंने इसे गलाया है। फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और छन्नी में डाल के रख दूंगी तो इसका पानी निकल जाएगा। और आलू को भी मैंने फ्राई कर लिया है। देखिए प्याज जिस तेल में मैंने फ्राई किया था ना उसी तेल में मैंने आलू को भी फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पर कुछ खड़े गर्म मसाले मैंने लिए हैं, जिसमें कि 1 टीस्पून लौंग लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च, 3 से 4 मैंने लिया है हरी इलायची जो छोटी वाली होती है, 2 बड़ी इलायची काली वाली, और थोड़े से मैंने लिए हैं, मतलब 2-3 पीस मैंने यहाँ पर लिया है दालचीनी और तेज़पत्ता 3 से 4। तो स्क्रीन पर आपको दिखाई देती होगी सब चीज़ें। तो ये सब हमें ऐड करना है। अगर आप गरम मसाला पाउडर यूज़ करना चाहते हैं बिरयानी में तो ये सब चीज़ों को आप स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट गरम मसाला पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गरम मसाला पाउडर नहीं यूज़ करूँगी। अब बिरयानी बनाने के लिए एक बड़ा सा बर्तन मैंने रख दिया है गैस पर, जिसमें मसाला बनाऊँगी। तो 1 कप के करीब तेल मैंने ऐड कर दिया है, जो तेल मैंने बिरिस्ता बनाया था ना वही तेल है। तो इसमें मैंने गरम मसाला जो है ना खड़ा गरम मसाला जो मैंने आप लोगों को बताया है वो ऐड कर दिया है। तो लो फ्लेम पर इसे अच्छे से भून लेंगे सबसे पहले हम लोग, फिर इसमें हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ किया है, मतलब 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। इस तरीके से देखिए ये वाला स्पून है ना वो यूज़ किया है, मतलब टेबलस्पून होता है उससे बड़ा स्पून है ये। तो 2 मैंने ऐड कर दिया है, मतलब 4 टेबलस्पून हो गया है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे हरी मिर्च का पेस्ट 1 टेबलस्पून। हरी मिर्च की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने 1 टेबलस्पून ही ऐड किया है क्योंकि जो ड्राई मसाले हैं ना वो भी मैं ऐड करने वाली हूँ इसके लिए। तो सब चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक। इसमें हम ऐड कर देंगे ड्राई मसाले, जिसमें कि धनिया पाउडर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून लिया है लाल मिर्च पाउडर। तो ज़्यादा मसाले मैं नहीं ऐड करती हूँ क्योंकि लाइट बिरयानी मैं बनाती हूँ, ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनती है ये, इसी तरीके की मेरे घर में बनाई जाती है, सब पसंद करते हैं तो बच्चे भी इसे शौक से खाते हैं। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्राई मसाले डालने के बाद टमाटर हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 केजी टमाटर लिया था, इसे बारीक बारीक कट कर लिया था। तो टमाटर को अच्छे से भून लेंगे थोड़ा सा पानी डालकर, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पून से और इसे कवर करके हम छोड़ देंगे 5 मिनट तक। तो बहुत ही अच्छे से टमाटर गल जाएगा। अब यहाँ पर साइड में मैंने रख दिया है अंडे बॉईल होने के लिए, क्योंकि इसकी जो सजावट की जाती है ना मसूर पुलाव की वो बॉईल अंडे से ही होती है। तो बॉईल होने के लिए मैंने अंडे रख दिए हैं यहाँ पर। तो अंडा एक साइड पर हो रहा है, एक साइड पे मेरा मसाला पक रहा है। और देखिए इस तरीके से छन्नी में मैंने डाल दिया था अखा मसूर को, तो ये इसका एक्स्ट्रा पानी जो है ना निकल जाएगा।
5 मिनट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। टमाटर बहुत ही अच्छे से गल चुका है, आप देख सकते हैं। मसाला भी बहुत ही अच्छे से भून चुका है, कच्चापन इसमें नहीं है। इस स्टेज पर आने के बाद हम इसमें डाल देंगे कीमा जो हमने बॉईल करके रखा था ना पहले, वो ऐड कर देंगे। और साथ ही में हम ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए आलू, और उसी के साथ हम ऐड कर देंगे 250 ग्राम दही। तो दही को अच्छे से फेंट लिया था मैंने, 1/2 kg दही है। तो अच्छे से इस सब चीज़ों को हमें मिक्स करना है स्पून से चलाते हुए, और इसे कवर करके फिर से हम 5 मिनट तक छोड़ देंगे पकने के लिए। और साइड में जो अंडे मैंने रखे थे ना बॉईल होने के लिए, बहुत ही अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। तो इसे मैंने निकाल लिया है देखिए अंडों को, और उसी गैस पर मैंने रख दिया है राइस पकने के लिए। तो यहाँ पे जो घर में नॉर्मली यूज़ करते हैं ना हम टुकड़ा राइस, वही यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। बिरयानी राइस मैं नहीं यूज़ करती हूँ, जब भी कीमा मसूर पुलाव बनाती हूँ तो सबको यही वाला राइस पसंद आता है। तो अगर आप चाहे तो बिरयानी राइस का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मसाला बहुत ही अच्छे से भून चुका है, तो और इसी तरीके का हमें चाहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी इसमें रहना चाहिए, इसी तरीके का चाहिए, क्योंकि हम इसमें अक्खा मसूर डालने वाले हैं ना, तो पानी सोख लेता है पूरी तरीके से। तो थोड़ा पानी इसमें रहना चाहिए, पूरी तरीके से ड्राई नहीं करना चाहिए। तो जो बॉईल करके रखा था ना अक्खा मसूर, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। और राइस को मैंने दम पर रख दिया है साइड में। अगर आप बिरयानी राइस का यूज़ कर रहे हैं तो राइस को बॉईल करके रखना है स्टेज पर आने के बाद। अब पूरा अक्खा मसूर जो हमने बॉईल करके रखा था वो सब इसमें नहीं डालना है, उसके 3 हिस्से करने हैं, एक हिस्सा बचा कर रखना है और 2 हिस्से ऐड कर देना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने रख दिया है एक हिस्सा, क्योंकि सजावट के लिए ये काम आएगा। और साइड में बिरिस्ता भी हमारा रेडी है, तो बिरिस्ता हम इसमें ऐड कर देंगे इसी के साथ। तो सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और साइड में मैंने ना पुदीना और जो हरा धनिया होता है ना उसे अच्छे से कट करके रखा है वॉश करके, तो वो इसमें हम ऐड कर देंगे। तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है बिरयानी में, बिरयानी का जो मसाला हम बनाते हैं ना तो उसमें ये सब चीज़ें डाली जाती है, तो वो ज़रूर डालना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और थोड़ा सा मैंने बचा कर रखा है पुदीना और हरा धनिया, तो वो हमें सजावट के लिए काम आएगा। तो एक बार इसे चला लेंगे स्पून से, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करना है, क्योंकि नमक अभी तक हमने नहीं डाला है मसाले में। जब हमने बॉईल किया था ना कीमा, उसमें नमक डाला था 1 tablespoon, और जब प्याज को फ्राई किया जाता है ना उसमें भी नमक डाला जाता है, ताकि प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए, फटाफट से फ्राई हो जाए। तो इस स्टेज पर आने के बाद नमक को डालना है टेस्ट कर। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट इसे कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है बिरयानी की, और मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से बनके रेडी हो गया है। तो इस तरीके से हम इसे सेट कर देंगे, आलू को इस तरीके से किनारे में हम कर देंगे, ताकि जब हम बिरयानी निकालेंगे तो आलू आसानी से निकल जाए। तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है, साइड में जो राइस हमने बनने के लिए रख दिए थे, दम पर रखे थे, वो भी पक चुके हैं। तो इसे मैंने 70% ही पकाया है, पूरी तरीके से नहीं पकाया है राइस को, पानी भी थोड़ा कम ही डाला था। नॉर्मली जो राइस बनाने के लिए पानी यूज़ होता है ना, तो उससे कम पानी डाला था। अब थोड़ा सा राइस हम इस पर डाल देंगे इस तरीके से, देखिए पूरा राइस एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, आधा राइस हम बचा कर रखना है। तो इस तरीके से राइस हम इस पर डाल देंगे, और यहाँ पर बिरयानी का जो सजावट का सामान है वो भी रेडी है मेरा। देखिए अंडे को मैंने 2-2 पीस करके रख दिया है, और यहाँ पे फ्राई करके रखी हुई है ऑनियन, तो ये सब सजावट का सामान है। और यहाँ पे साइड में मैंने रख दिया है देखिए अक्खा मसूर जो बचा के रखा था ना, वो है पुदीना और हरा धनिया, ये सब चीज़ें हमें रेडी रखनी है। तो जब भी मैं बिरयानी बनाती हूँ ना, तो ये वाला प्रोसेस मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है, मतलब बिरयानी को सजाने का बहुत मज़ा आता है। तो सबसे पहले हम ऐड कर देंगे जो दाल को हमने रखा था ना बॉईल करके अक्खा मसूर, वो ऐड कर देंगे थोड़ा सा, थोड़ा और बचा कर रखना है, पूरा नहीं डालना है। तो इस तरीके से हम डाल देंगे, और इस पे हम फ्राई ऑनियन भी डाल देंगे इस तरीके से, थोड़े से पुदीने के पत्ते इस पे ऐड कर देंगे, थोड़े से फ्रेश हरे धनिए के पत्ते, और जो राइस हमने बचा कर रखा था ना वो इस पे ऐड कर देंगे, जितना भी बचा हुआ राइस है सब इस पर डाल देंगे। फिर से जो दाल बची हुई थी ना अक्खा मसूर की, वो सब के सब इस पर डाल देंगे, इस तरीके से बिछा देंगे। और प्याज, फिर से प्याज डाल देंगे, बची हुई सब प्याज में डाल रही हूँ, फ्रेश हरे धनिए के पत्ते, जितने भी चीज़ें बची हुई है सजावट की सब इस पर ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैं जलेबी का जो रंग होता है ना, फूड कलर, तो वो ऑरेंज वाला यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो केवड़ा वाटर में मैंने इसे घोल कर रखा था, तो वो इस पर ऐड कर देंगे, ताकि फ्लेवर बहुत ही अच्छा आए। तो बिरयानी में केवड़ा वाटर भी डाला जाता है फ्लेवर के लिए, अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और कोई भी मर्जी का, अपने मर्जी का फूड कलर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन, रेड, ऑरेंज। तो ये वाला फूड कलर मुझे बहुत ही पसंद है। और यहाँ पे जो अंडे मैंने आधे आधे करके रखे थे ना पीसेस, वो इस तरीके से हम रख देंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा फूड कलर फिर से ऐड कर देंगे, इसे कवर करके हम दम पर रख देंगे। नीचे एक तवा रखा है मैंने दम पे रखने का, और इस तरीके का कोई वज़न इस पर रख देना है।
15 मिनट पर लो फ्लेम पर मैंने इसे दम पर रखा था। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बनकर रेडी हो गई है। कीमा मसूर बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे मैं डिश आउट कर रही हूँ, देखिए इस तरीके से। हमारी नेक्स्ट रेसिपी है मटन चॉप्स फ्राई, जिसे कि हम अंडे में डिप करके बनाएंगे। सबसे पहले मैं इसे मैरिनेट करके रखूँगी। इसे वॉश कर लिया है मैंने, देखिए बहुत ही अच्छे से। तो सबसे पहले इसका मसाला रेडी करेंगे हम लोग। तो 250 ग्राम मैंने दही लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे, ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे। कुछ ड्राई मसाले इसमें ऐड कर देंगे, जिसमें कि 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, मतलब ये तीखी वाली है, कश्मीरी लाल मिर्च आती है ना वो नहीं है, ये थोड़ी तीखी वाली है, तो इसमें ऐड कर देंगे। सब मसाले इसमें ऐड कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर एक एक चॉप्स लेंगे हम, मटन चॉप्स, और ये मसाले में डिप करेंगे और साइड में रख देंगे। जितने भी चॉप्स हैं सबको इसी तरीके से हम मैरिनेट करके रख देंगे, मसाला लगा कर रख देंगे। और हाँ, ये जो चॉप्स है ना वो 2 डज़न है, मतलब 24 चॉप्स है, ये ज़्यादा है क्वांटिटी में, तो मसाला अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो आप। अब इसे जो चाप मैंने मैरिनेट करके रखा था ना, उसे मैं बॉईल करूँगी, क्योंकि ये कच्चा है ना, तो ये फ्राई होने में कच्चा ही रहेगा, मतलब पकेगा नहीं पूरी तरीके से। इसके लिए इसे हमें बॉईल करना होता है, तो इसमें मसाला भी बहुत ही अच्छे से पक जाएगा और चॉप्स जो है ना वो भी अच्छे से गल जाएंगे। तो इसे हमें ज़्यादा नहीं ओवर कुक करना है, 70% ही गलाएंगे, फिर फ्राई करेंगे ना, तो बाकी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा बॉईल होने का इसका। तो थोड़ा सा मैंने तेल इसमें ऐड कर दिया है, 1 टेबलस्पून के करीब, ताकि मसाला नीचे लगेगा नहीं। तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, 1/2 कप के करीब पानी ऐड करेंगे और इसे बंद करके रख देंगे स्टार्टिंग में हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने तक। उसके बाद फ्लेम को हम कर देंगे मीडियम, मीडियम फ्लेम पर हमें 1 से 2 सीटी लगाना है, 70% इसे गलाना है। और चॉप्स हमारे गल चुके हैं, बॉईल हो चुके हैं फ्रेंड्स, देखिए। इसे मैं खोलती हूँ तो आप देख सकते हैं, अभी गर्म है फिलहाल, ये देखिए। अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। तो यहाँ पे ब्रेड क्रम्स मैंने लिया है, एक एक चॉप्स लेंगे हम, अच्छे से कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स में। अंडा मैंने साइड में फेंट के रखा है नमक डालकर, और फ्राई पैन में मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है लो फ्लेम पर, तो क्योंकि हमें इसे ना डीप फ्राई करना है। तो अच्छे से देखिए ब्रेड क्रम्स में कोटिंग करने के बाद अंडे में डीप करेंगे और फ्राई पैन में हम ऐड करते जाएंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म करना है, फिर लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। हाई या मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल भी इसे फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएगा, क्योंकि अंडे में हम इसे फ्राई करें अंडा जल्दी जलता है, टाइम नहीं लगता है इसे जलने में। तो इसके लिए हम एक साइड से जब हो जाएगा तो दूसरे साइड से भी हमें इसे फ्राई करना है लो फ्लेम पर। तो देखिए आप चाहे तो ना विदाउट एग के भी बना सकते हैं, जब मैरिनेट हो जाएगा तो विदाउट एग के आप ऐसे ही इसे फ्राई कर लीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है वो भी। तो दूसरे साइड से भी अच्छे से मैं इसे फ्राई करूँगी, देखिए एक साइड से ये हो गया है और यहाँ पे बड़े ही मज़ेदार से मटन चॉप्स बनके रेडी हो गए हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करना आज की। अब हम बनाएंगे मुगलई स्टाइल में मटन कोरमा, ये भी बहुत ही टेस्टी बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे मटन। 3 किलो मैंने मटन लिया है, क्योंकि 3 किलो का कोरमा मैं बना रही हूँ, आपको जितना बनाना है उतना आप मटन ले सकते हैं। इसे मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है, इसका एक्स्ट्रा पानी मैंने ड्रेन कर दिया है। इसे मैरिनेट करना है, तो सबसे पहले 1 कप भर के, मतलब 6 टेबलस्पून भर के हमें लेना है अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें जाएगी हरी मिर्च का पेस्ट, 2 टेबलस्पून भर के हरी मिर्च इसमें जाएगी, देखिए। कुछ ड्राई मसाले हमें इसमें ऐड करना है, सबसे पहले 3 टेबलस्पून धनिया पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें जाएगा जीरा पाउडर, मतलब जो भुना कूटा जीरा है वही है। लाल मिर्च पाउडर इसमें जाएगी 2 टेबलस्पून भर के, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, कलर के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये भी होममेड ही है, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून भर के ऐड कर दिया है, बाद में हम एडजस्ट कर सकते हैं कम पड़ गया तो। अब 1 किलो इसमें हम ऐड कर देंगे दही, तो घर में जमाया हुआ दही है, तो ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता है ना, इसके लिए 1 किलो मैंने लिया है। अगर आपका दही खट्टा वाला है तो क्वांटिटी थोड़ी कम कर सकते हैं आप। इसमें दही का ही मेन रोल होता है कोरमे में, इसमें टमाटर नहीं जाता है, तो इसमें दही को मैंने फेंट के ऐड कर दिया है। अब अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे, तो मैं हाथों से ही कर रही हूँ, देखिए हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना है सबसे पहले, फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो ग्लव्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं ओवरनाइट रखूँगी, ये 4-5 घंटे के लिए भी आप इसे रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मटन बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, आप देख सकते हैं, ओवरनाइट मैंने इसे रखा था। तो इसे हमें ट्रांसफ़र करना है एक कुकर में,
इसमें हम ऐड कर दें एक ग्लास भर के पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि ये सब चीज़ों का पानी ऑलरेडी छूटने वाला है दही वगैरह का। इसमें हम ऐड कर देंगे एक कप भर के तेल जो कि मैंने ऐड कर दिया है। अब इसे हमें ना कुक करना है, तो सबसे पहले कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, गैस पर रखेंगे, हाई फ्लेम पर एक दो सीटी आने तक रखेंगे, फिर फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे 5 से 10 मिनट तक पकाना है, तो बहुत ही अच्छे से मटन हमारा गल जाएगा। अब आप पर डिपेंड करता है कि आपका जो मटन है वो किस तरीके का है, ज़्यादा सख्त है तो ज़्यादा देर तक रख सकते हैं, तो एक बार इसे चेक करके आप देख लेना। अब यहाँ पर ना 1 किलो प्याज मैंने ली थी और इसका बिरिस्ता बनाकर रखा है, मतलब ऑनियन को फ्राई करके रखा है। तो इसी तरीके का परफेक्ट बिरिस्ता हमें फ्राई करना है, इससे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो जो कोरमे में टेस्ट आएगा वो कड़वा आएगा। तो इसे हमें विदाउट वाटर पीस लेना है, विदाउट वाटर, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो देखिए अब यहाँ पर साइड में ना मैंने 150 ग्राम काजू लिया था, 7 से 8 बादाम और 2 टेबलस्पून भर के खसखस जो होती है ना वो लिया था। सब चीज़ों को अच्छे से वॉश करके ना मैंने भीगने के लिए छोड़ दिया था, देखिए इस तरीके से। अब इसे हमें पीस लेना है। अब यहाँ पर मटन जो हमने गैस पर रखा था बॉईल होने के लिए, बहुत ही अच्छे से बॉईल हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हमारा कोरमा डन नहीं हुआ है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, बिना स्किप किए वॉच करना है। यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले मैंने लिए, जिसमें कि 1 टीस्पून लौंग लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून हरी इलायची, 3 से 4 तेज़पत्ता जो होता है वो लिया है, 2 से 3 दालचीनी के पीसेस लिए हैं, और जो चक्करफुल होता है वो 2 लिया है यहाँ पर। तो चलिए कोरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा कंटेनर लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून भर कर ही मैंने ऑयल डाला है। इसमें खड़े गरम मसाले हम ऐड कर देंगे। लो फ्लेम पर हमें अच्छे से खड़े गरम मसालों को भून लेना है। देखिए तेल का ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना है, क्योंकि जो हमने बॉयल किया है मटन उसमें ऑलरेडी बहुत सारा ऑयल रिलीज़ हो चुका है। अब बहुत ही अच्छे से गरम मसाला भून गया है हमारा, इसमें हम ये ग्रेवी ऐड कर देंगे। देखिए मैंने ऐड कर दिया है जो हमने बॉयल किया था वो। उसी के साथ साथ हम ऐड कर देंगे बिरिस्ता जो हमने फ्राई करके रखा था ना, ऑनियन उसे पीस लिया था वो ऐड कर देंगे, और इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है, बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे पानी, तो 3 गिलास भर के मैं पानी ऐड कर रही हूँ। आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग ऐड करना है, कितनी थिक ग्रेवी आपको चाहिए वो हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। अब इसमें जो हमने काजू बादाम को भिगो कर पीस कर रखा था वो पेस्ट ऐड कर देंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे फ्रेश क्रीम, तो आप मार्केट वाली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर घर में जमाई हुई जो मलाई होती है ना उसे मिक्सी के जार में ऐड करके पीस लिया था, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छे से हमें करना है मिक्स। अब इस स्टेज पर आने के बाद ना नमक को टेस्ट करना है, थोड़ा सा कम मुझे लग रहा था तो 1 टेबलस्पून भर के मैंने ऐड कर दिया है। नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम यहाँ पर, और इसका बॉयल आने का वेट करेंगे। तो देखिए इसमें बॉयल आ रहा है हल्का हल्का, तो इसमें फ्लेवर के लिए मैं ऐड कर रही हूँ केवड़ा वाटर। आप रोज़ वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं, इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, या केवड़ा वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पीजे जी बनके रेडी हो गया है हमारा मुगलई मटन कोरमा, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है, बिल्कुल शादियों वाला कोरमा यहाँ पे बनके रेडी हो गया है। वीडियो हमारी नेक्स्ट रेसिपी है मटन पाया, और ये हो चुका है बॉयल, मैंने बॉयल कर लिया है। साइड में मैंने प्याज को फ्राई करके रख दिया है, तो देखिए इसका ढक्कन मैंने खोल दिया है। इसे मैंने बॉईल किया है ना, तो बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी डाल दिया था, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 मीडियम साइज की प्याज को कट करके ऐड कर दिया था, थोड़ा सा नमक डाल दिया था। तो अच्छे से सब चीज़ों को डालकर ना मैंने मिक्स करके रख दिया था गैस पर। तो ये बहुत ही अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, इसमें मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से इसे भून लेंगे इसकी स्मेल निकलने तक। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून ड्राई कोकोनट पेस्ट, सूखा खोपरा होता है उसमें मैंने हरा धनिया जो होता है ना वो डालकर, थोड़ा सा सूखा खोपरा है ना उसे रोस्ट भी कर लिया था, और मिक्सी में पीस कर इसमें ऐड कर दिया है। देखिए कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देंगे, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ, और लाल मिर्च पाउडर 2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। अब इसमें जाएगी हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, उसी के साथ 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर मैंने ऐड कर दिया है। सब मसालों को अच्छे से भून लेंगे ताकि सबका कच्चापन अच्छे से निकल जाए। तो 5 मिनट तक मैंने अच्छे से लो फ्लेम पर इसे भून लिया है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, देखिए फिर से एक बार स्पून से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसे भून लेंगे हम। देखिए अब ना प्याज तो मैंने सुबह ही फ्राई करके रखी थी ना मॉर्निंग में, जैसे कि बताया था आप लोगों को, तो मैंने हाथों से क्रश करके प्याज इसमें डाल दिया है। फ्राई करने के बाद प्याज को ना मैंने फ्रीजर में रखा था, तो बहुत ही अच्छे से ये कड़क हो चुकी है, क्रिस्पी हो गई है, तो इसे भी मैंने डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे कवर करके मैं छोड़ दूंगी 5 मिनट तक लो फ्लेम पर। तो 5 मिनट में कंप्लीट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मसाला मेरा फ्राई हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें से सेपरेट हो चुका है। इसमें हम ऐड कर देंगे पाया, जो बॉईल करके रखा था ना पाया, वो इसमें ऐड कर देंगे।
और पाए को सब मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके हम छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए। और यहाँ पर देखिए मेरा जो सालन है, पाए का सालन बनके रेडी हो गया है। तो इसे हम गार्निश करेंगे फ्रेश हरे धनिए के पत्तों के साथ, तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसे मैं डिश आउट कर रही हूँ। देखिए बहुत ही फटाफट से बन जाता है ये, अगर सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाए ना तो बराबर से बन जाता है, फटाफट बन जाता है, समय नहीं लगता है। वीडियो यहाँ पर मैं एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ गिव मी बिग थम्स अप, चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी या व्लॉग के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।